एक्सक्यूज मी। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं यिनशी चैन से मिलना चाहती हूँ। आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं सॉरी मिस्टर इन, बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलते। मेरे साथ आइए, मिस्टर इन मीटिंग में है। और जरा ये देखो, ये ठीक है। ओके। आप यहाँ कुछ देर रुकिए, मीटिंग के बाद आप मिल सकती हैं। ओके थैंक यू। इधर आइए। लेकिन तुमने तो मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया। ये तो सच में एक बुरा इंसान है। हाँ सच में। तो फिर अभी के लिए भाई, वक्त है तो मुझसे भी मिल ले। ओके। ब्रिलियंट गर्ल है, पर ये है कौन? मिस गु। यिनशी चैन, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने पार्टी की रात क्या डील की थी। तो फिर क्या सोचा आपने? मुझे जो चाहिए था अपने काबिलियत से मैंने वो हासिल कर लिया है, लेकिन तुम नहीं कर पाई। इसका मतलब तुम काबिल नहीं हो। दरअसल पार्टी की रात एलेक्स ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो वेडिंग ड्रेस मुझे बेचेगा, पर तुम्हारी वजह से मैरी मी के ड्रेसेस अगले 3 महीने में हमारे मॉल में बिकेंगे। अगर चाहो तब एक खरीद सकती हो। बिल्कुल नहीं, मुझे उस ड्रेस की अर्जेंटली अभी जरूरत है, इसलिए मुझे वो अभी चाहिए। लेकिन ये ड्रेस तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? इस बात से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या शादी की जल्दी? नहीं रुको, तुमने तो कल ब्रेकअप किया था ना? आपको इस बारे में कैसे पता चला? ये 3 महीना हमारा प्रमोशन पीरियड है। पूरे विश्व में मैरी मी के ड्रेसेस तुम कहीं से भी खरीद सकती हो, तो हमारा मॉल क्यों? शायद कोई। जब तक क्या? अगर मेरी शादी तय हो गई तो मैं ऐसा ही एक ड्रेस मेरी पत्नी के लिए तैयार करूंगा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। यिनशी चैन, आप मेरी जिंदगी में परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इसका मतलब तुम काफी नाजुक हो। मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारी वजह से। तुम्हें आइडिया भी नहीं है तुमने कितनी ट्रबल खड़ी कर दी है मेरी लाइफ में। मैं ये ड्रेस का प्रॉब्लम संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हें मीडिया की गलतफहमी दूर करनी होगी हमारे रिश्ते के बारे में, और वो फोटोज भी डिलीट करवाने होंगे। ये मैं कैसे कर सकता हूँ, वरना हमारा प्लान हर कोई जान जाएगा। और मेरे नुकसान का क्या? क्या तुम भरपाई करोगी? मुझे लगता है उस रात के बर्ताव के लिए तुम्हें भी नुकसान भरना चाहिए। यिनशी चैन, तुम एक बहुत ही घमंडी और इमोशनलेस इंसान हो। मेरी बात खत्म हो चुकी है, तुम जा सकती हो। मिस्टर यन से मिलना है। इस तरफ मिस रैन। ये हमारे प्रेसिडेंट बनने की लायक जरूर है, लेकिन वो लड़की गए काम से। रुको, आप
यंजचन, फोटो ऐसी लेनी चाहिए और इसे ही कहते हैं परफेक्ट फोटो। मुझे पानी पीना है इसलिए कप उठा रही हूँ। वो मेरा झूठा था। क्या कर रहे हैं आप? क्या फिर से? तुमने मुझे बदतमीज कहा? तुम्हें शायद कल रात की बात याद नहीं है। क्या किया मैंने कल रात? माफ करना। अब तुम जा सकती हो मिस गो। ये बिल है मेरी टूटी हुई कार का, क्योंकि आपने ओवरटेक किया था इसलिए आप पे करेंगे। तुम्हें बस पैसे के बारे में फिक्र है। आपको क्या लगता है हर कोई आपकी तरह पैसों के बारे में सोचता है? अगर अगली बार कोई अच्छा एक्सक्यूज ला पाई तो ही आना। यिनशिचन, अब देखो मैं क्या करती हूँ। शिवेई, प्रपोजल के बेस पे इसे एडजस्ट करो और मिस्टर एलेक्स, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं?